तो फर्स्ट फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि लिथियम एटम है, ठीक है। तो लिथियम एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकेंड ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमारा लिथियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट का जो रूल है वो फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं फिल कर सकता है, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में एट इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कैसे बना टू और एट का, ठीक है, ये आगे सीखेंगे। अभी यहाँ पे बस हम लोग ओरल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। इन केस ऑफ बेरिलियम की बात करें तो यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेरिलियम में, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर फोर होता है, इसलिए टू फर्स्ट सेल में है, उसके बाद के जो टू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेकेंड सेल में है। बोरान में भी सेम, फाइव एटॉमिक नंबर फाइव इलेक्ट्रॉन, टू फर्स्ट सेल में है एंड थ्री सेकेंड सेल में। कार्बन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एलिमेंट है, ठीक है, इससे लगभग से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है, ठीक है, इस कार्बन एटम से, इसके स्ट्रक्चर से, इसके नेचर से, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज से। तो यहाँ पे इसके पास इसका एटॉमिक नंबर होता है सिक्स, और इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट सेल में होते हैं, फोर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेकेंड सेल में होते हैं। वैसे ही नाइट्रोजन की बात करें तो सेवन एटॉमिक नंबर होता है, टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं फर्स्ट सेल में एंड थ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी फाइव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं या सेकेंड सेल में होते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। नियॉन जो होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है? टेन होता है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग इसके फर्स्ट सेल में टू एंड सेकेंड सेल में एट इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सेकेंड में एट से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो नियॉन के आगे जो भी एलिमेंट्स आएगा, ठीक है, सोडियम, नियॉन के बाद कौन सा आता है? सोडियम। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो किस सेल में बढ़ेगा? उसका जो इलेवेंथ इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा सेल नंबर थर्ड में, ठीक है। तो थर्ड सेल में उसका इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे वाला, ठीक है। सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो थर्ड सेल में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर, ओरल स्ट्रक्चर बताए गए हैं। अभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का कैसे होता है ये सब आगे हम लोग देखेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ईच हैज़ वन मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस दैन द प्रीसीडिंग एलिमेंट, एंड द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गो इन टू ए सेकेंड ऑर्बिटल। दिस ऑर्बिट इज द दिस ऑर्बिट इज देन फुल इन द नेक्स्ट एट एलिमेंट, ठीक है। वही चीज़ लिखी जो मैंने बताया कि फर्स्ट सेल में हमारे टू इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, सेकेंड सेल में हमारे एट इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है, विद एटॉमिक नंबर 11 to 18, ठीक है। ये कहाँ जाएंगे? 11 to 18 कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे हमारे थर्ड सेल में, द एडिशनल इलेक्ट्रॉन इंटर ए थर्ड सेल, ठीक है। 11 किसका होता है? सोडियम का। 18 किसका होता है? आर्गन का, ठीक है। तो सोडियम से लेके ऑर्गन तक थर्ड सेल में फिलअप होंगे, ठीक है। द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव न्यूक्लियस बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में अभी मैंने पहले भी बताया है कि जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहाँ लगता है? जहाँ पे हमारे पास चार्ज होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब दो चार्ज होते हैं, ठीक है, जैसे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन की वजह से ये स्टेबल रहते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस को छोड़ के जो है बाहर चले जाए, ठीक है। ये क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है प्योरली। एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड हैज अ लो पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो इस जो लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि कई सेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे ये सेकेंड सेल है, ठीक है, इसके बाद एक और थर्ड सेल है, ठीक है। तो इन सारे सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में किसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रो स्टैटिक में पढ़ते हैं, एफ जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, ठीक है। जो चार्ज होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ही फोर्स वीक होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, कॉन्टिन्यू, सेल जैसे ही बढ़ेंगे उनकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी और वीक होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए जो फर्स्ट सेल में होगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस को, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना होता है, लो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी लो होती है, जो स्टेबल होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होगा, जब इससे अट्रैक्ट रहेगा न्यूक्लियस से तो ये इतना फ्रीली रिवॉल्व ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो इसकी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इसकी स्पीड डाउन हो जाएगी अट्रैक्शन की वजह से, जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी अट्रैक्शन की वजह से, तो इसकी जो कैनेटिक एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस का ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज लेस फर्मली हेल्ड एंड हैज हाई पोटेंशियल एनर्जी, जितनी दूर होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद में जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड बोहर थ्योरी। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है ये देखना है, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड बोहर थ्योरी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रा एक फिजिकल फिनोमिना है, ठीक है, जो किसी भी सिस्टम में होता है। जैसे कंपाउंड है हमारे पास कोई भी, जैसे हाइड्रोजन ही स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की गई तो हाइड्रोजन को ही लेते हैं। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके वैलेंस में, ठीक है। वैलेंस कह दो या टोटल, उसमें वन इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो वो क्या करता है, जब एक्साइट करता है, ठीक है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक्साइट करेगा। एक्साइट करेगा क्यों, ठीक है, इसका भी रीज़न बता रहे हैं। देखो यहाँ पे है हमारे पास एनर्जी लेवल्स, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे सीढ़ियों से उतरते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी एक पहले पे चढ़ते हैं, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, ऐसे कंटिन्यू चढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एनर्जी लेवल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, एज ए सीढ़ियाँ जैसे होती ना वैसे ही होती हैं, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है, फिर सेकेंड होता है, ठीक है, उसके बाद थर्ड होता है, फोर्थ, ऐसे एनर्जी लेवल। और ये इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, ऐसा कोई रियल में प्रेजेंट नहीं होता है, इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इन एनर्जी लेवल्स में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके E1 में भी जा सकता है, ये E4 में भी जा सकता है यहाँ से एक्साइट होके, ठीक है, ये E2 में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है, ये इसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, इसको कितनी एनर्जी दी गई है बाहर से, ठीक है। जैसे इसको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है E3 तक पहुंचने में, अगर उसको इतनी एनर्जी मिल गई तो क्या करेगा, एक्साइट होके वहां तक चला जाएगा, ठीक है, थ्री तक पहुंच जाएगा। तो यही जो हमारे एब्जॉर्प्शन करती है, यहाँ से क्या करता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्व करेगा पहले हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एब्जॉर्व करेगा एनर्जी, वो जिस भी फॉर्म में ले रहा हो, ठीक है, एच न्यू के फॉर्म में ले रहा हो, फोटॉन्स की एनर्जी ले रहा हो, या हीट ले रहा हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है हम उसको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग एक्साइट करेगा। और जो यहाँ से एनर्जी लेके एक्साइट करेगा वो अपने एक्साइटेड, यहाँ पे इस स्टेट को क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक्साइट होके कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता है उस स्टेट को क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो उस स्टेट में वो ज़्यादा देर रुकता नहीं है, ठीक है,
उसका जितना भी वहाँ पे लाइफ टाइम होता है वही उतनी देर वो रुकता है, ठीक है। उसके अंदर क्या करता है, वो फिर से वापस आता है, ठीक है, फिर से वापस आता है कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। जब ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो क्या करेगा, जो एनर्जी लेके गया था ना वो वापस करेगा ना, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, ये लेके गया था एनर्जी यहाँ से, एचन्यू बाहर से मैंने दिया था इसको, तो ये लेके गया यहाँ तक तो वापस करेगा। जैसे एनर्जी बाहर निकलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी मशीन होती है स्पेक्ट्रा कैच करने वाली, ठीक है, कैप्चर करने वाली मशीन जो होती है वो स्पेक्ट्रा शो करेगी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ठीक है। ये डिजिटल प्रोसेस होता है, इसमें कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है और इसमें स्पेक्ट्रा लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी, जितनी भी एनर्जी निकलेगी उसी के हिसाब से हमारा स्पेक्ट्रा बनेगा, ठीक है। जैसे हमारी एनर्जी ज़्यादा निकल आई, पहले कम थी फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई फिर ज़्यादा हो गई, तो ये स्पेक्ट्रा बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का भी हमारा स्पेक्ट्रा ऐसे ही बनता है। तो देखते हैं इसमें क्या है, बुक में क्या सजेस्ट किया गया है, ठीक है, स्पेक्ट्रा के बारे में, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट इसमें होगा। व्हेन एटम आर हीटेड आर सब्जेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे कहा गया हीटेड, मैंने कहा यहाँ पे फोटोन दो या तो हीट दो, ठीक है, तो यहाँ पे कहा हीटेड टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दे अब्सॉर्ब एनर्जी, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, मैंने यहाँ बताया एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, विच इज सब्सिक्वेंटली एमिटेड एज अ रेडिएशन, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, सब्सिक्वेंटली का मतलब ऊपर जाके वापस आएगा, तो यहाँ पे इमिट करेगा रेडिएशन, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे वापस जाता है, तो जितनी एनर्जी लेता है उतनी वापस करके नीचे आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होगी, रेडिएशन इमिट करेगा, इमिटेड एज रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ठीक है, रियल में, इफ सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर, ठीक है, सोडियम एटम आर प्रोड्यूस विच गिव राइज टू द कैरेक्टराइस्टिक्स येलो फ्लेम कलरेशन, ठीक है। हम सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारा, सिंपल सॉल्ट होता है, ठीक है, जो कि घरों में भी होता है, तो इसको अगर हम हीट करते हैं बंसन बर्नर पे, ठीक है, तो जब इन सबको बंसन बर्नर पे हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करता है येलो फ्लेम। तो येलो फ्लेम ये क्यों आती है, येलो फ्लेम का कलर क्यों होता है, ठीक है, किसी चीज़ का कलर क्यों होता है, इसी एक्साइटेशन की वजह से होता है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो, किसी भी चीज़ में जो कलर होता है वो एक्साइटेशन की वजह से होता है, ये कह सकते हो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की वजह से होता है और इमिजन ऑफ एनर्जी की वजह से होता है, ठीक है, इमिजन ऑफ रेडिएशन, इसी वजह से कलर होता है। देयर आर द टू लाइन्स इन द इमिजन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ 589.0 नैनोमीटर एंड 589.6 नैनोमीटर, ठीक है, जो हमारा सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन का ग्राफ होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या दिखता है कि दो पीक्स दिखती हैं, ठीक है, सोडियम में दो लाइंस दिखती हैं, जैसे सोडियम, ये दो लाइंस का क्या मतलब होता है, लाइंस का मतलब होता है, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ी हो गई, जैसे हमने यहाँ पे एक ये ऐसे खींचा, ठीक है, जैसे ग्राफ बनाते हैं ना एक्स वाई एक्सिस पे, वैसे ही होता है, तो यहाँ पे लाइंस मिलती हैं स्पेक्ट्रम में, ऐसे जैसे एक लाइन ये मिली एक लाइन ये, तो इसमें दो लाइंस मिलती हैं, ठीक है, ये हमारी एक्सिस है, इसको हम लाइन नहीं मानते हैं, ठीक है, तो हमारी एक लाइन का जो वेवलेंथ है वो 589.0 है और एक का हमारा क्या है 589.6, ठीक है, तो एक थोड़ी बड़ी एक थोड़ी छोटी, ठीक है, ये बनता है हमारा स्पेक्ट्रम और इस स्पेक्ट्रम की वजह से आती है येलो फ्लेम। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ स्टडी ऑफ आइदर द रेडिएशन एब्जॉर्ब और रेडिएशन एमिटेड, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी जो होती है टेक्निक होती है जिसमें हम ये सब स्टडी करते हैं, एब्जॉर्प्शन, इमिजन, स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन जितना ऑब्जर्व हुआ है या इमिट हुआ है उसकी हम स्टडी करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर स्टडिंग द एनर्जी एंड द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, ठीक है, एनर्जी को स्टडी करता है और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, ठीक है, किस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम में अरेंज, ठीक है, ये हमारी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इतना बताती है, एटम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दे। इफ ए डिस्चार्ज इज पास थ्रू द हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिकल कराया नहीं जाता है सब, लेकिन जो है इसको सीख लेते हैं। If a discharge is passed through the hydrogen gas H2 at low pressure,
है, अगर हम इसको समझें कि कैसे हुआ होगा। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें कौन सी गैस है जो यहाँ पे दी गई है, H2 गैस। ठीक है, H2 गैस को लेते हैं लो प्रेशर पे। प्रेशर क्या रखते हैं? लो रखते हैं। ठीक है, प्रेशर क्या रखते हैं इसका? लो रखते हैं। और इसको क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं। ठीक, डिस्चार्ज करते हैं मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी से डिस्चार्ज करते हैं इसको। तो क्या होता है? दिस लाइट कैन बी स्टडीड विद स्पेक्ट्रोमीटर एंड इज फाउंड टू कंप्राइज ए सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। 4 लाइंस कैन बी सीन बाय आइज। ठीक है, जैसे हम डिस्चार्ज करते हैं, अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही जैसे ऊपर कॉन्सेप्ट यहाँ था। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर रहे थे? बाहर से हम इसको क्या दे रहे थे? फोटॉन्स दे रहे थे। यहाँ पे हम डिस्चार्ज कर रहे हैं मतलब इसको क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पे H2 है, इसके H2 के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे फिर से बन के आएगी, कलर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है इज फाउंड टू कंप्राइज अ सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। 4 लाइंस कैन बी सीन बाई आईज। ठीक है, 4 लाइन ऐसी भी बनती है जो आंखों से दिखती है। ठीक है, बट मैनी मोर आर ऑब्जर्व फोटोग्राफिकली। ठीक है, सब आंखों से तो देखी नहीं जा सकती, इसलिए उनको फोटोग्राफिकली हम ऑब्जर्व करते हैं इन अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रीजन को यूवी रीजन भी कहते हैं। ठीक है, उसी का शॉर्ट टर्म है। द लाइन बिकम इंक्रीजिंगली क्लोज टूगेदर एज द वेवलेंथ लैम्डा डिक्रीज। ठीक है, द लाइन्स बिकम इंक्रीजिंगली क्लोज टूगेदर एज द वेवलेंथ लैम्डा डिक्रीज अंटिल द कॉन्टिन्यूम इज रीच्ड। वेवलेंथ इज मीटर इन मीटर्स एंड रिलेटेड द फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड बाय द इक्वेशन। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन लैम्डा और फ्रिक्वेंसी के बीच, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बीच। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है वेवलेंथ, न्यू होती है फ्रिक्वेंसी, और सी होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी वो हर्ट्ज की यूनिट जो होती है, हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि साइकिल पर सेकंड। ठीक है, लैम्डा जो होता है इसको हम ज़्यादातर नैनोमीटर में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है बामर सीरीज के लिए। ठीक है, अभी देखेंगे कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, बास्चन ब्रैकेट फुंड और जो भी सीरीजेस हैं उनको देखेंगे, लेकिन अभी ये बामर सीरीज के लिए एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी मेनली ये 4 लाइन्स, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ठीक है, ये 4 लाइन्स को हम आंखों से ही देख सकते हैं, बाकी और भी लाइन्स होती हैं। यहाँ पे लिखा है एच इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत सारी लाइन्स हो सकती है इसका मतलब, इनफाइनाइट लाइन्स। ठीक है, एनर्जी इनकी इधर की तरफ क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, और वेवलेंथ क्या करती है? डिक्रीज होती चली जाती है इधर। ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है इधर? एक्चुअल में एनर्जी जो होती है हमारी, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्या होती है? ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एच न्यू को हम क्या कहते हैं? ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू एच न्यू होता है। और ऊपर हम लोगों ने अभी क्या देखा कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, हम यहाँ पे ई इज इक्वल टू एच न्यू की जगह पे क्या रख देंगे? एच न्यू की जगह रख देंगे सी। ठीक है, तो हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा, ये किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है? यहाँ से लैम्डा और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, अगर यहाँ से देखें एनर्जी और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्सली। तो इनवर्सली रिलेशन की वजह से यहाँ पे इनवर्सली रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एनर्जी इधर की तरफ इंक्रीज कर रही तो वेवलेंथ कहाँ बढ़ेगी? इन्वर्सली, इसलिए उल्टा पड़ेगी, इधर की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जिनको सीखते रहोगे तो कंटिन्यू बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। सी जो है लाइट की वेलोसिटी है, जो पता ही है 3 × 10^8 m/s हम लोग याद करते हैं, 2.9979 इसमें दिया है। ठीक है, अच्छी बुक्स पढ़ने का यही फायदा है कि उसको सही वैल्यूज हम लोगों को एक बार तो पता ही हो जाती हैं। ठीक है,
नहीं, हम लोग पुरानी बुक्स में या जो भी बुक्स पढ़ते रहते हैं छोटी क्लासेस में, उनमें हमको 3 × 10⁻⁸ ही लिखा मिलता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 2.9979। इन स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्रिक्वेंसीज आर जनरली एक्सप्रेस एज अ वेव नंबर वी बार, वेयर वी बार इज इक्वल टू 1/λ मीटर इनवर्स। इन 1885 बॉमर शोड दैट द वेव नंबर वी न्यू बार ऑफ एनी लाइन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन कुड बी गिवन बाई द सिंपल एम्पीरिकल फार्मूला। ठीक है, बॉमर साइंटिस्ट ने 1885 में कहा, एक फार्मूला बना दिया, ठीक है, एक फार्मूला डिराइव कर दिया, और उनने कहा कि जो हमारा वेव नंबर होता है, ठीक है, क्या होता है वेव नंबर, अब ये वेव नंबर क्या होता है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो बता दे रहे हैं, वेव नंबर जो होता है इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, जो भी वेवलेंथ है उसको 1/2 कर दो, वेव नंबर बन जाता है। ठीक है, तो वेव नंबर क्या होता है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ ये लैम्डा है। ठीक है, इसलिए वेव नंबर क्या होता है, आर। आर क्या होता है यहाँ पे, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, आर क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट भी आर उसे डिनोट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। और एन क्या होता है, एन जो तुम्हारा ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट से तुम छलांग लगा रहे हो, ठीक है, जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, छलांग लगा रहा है, वो ऑर्बिट, और जिस ऑर्बिट में छलांग लगा रहा है वो एन। ठीक है, दो से जा रहे हो तो दो, यहाँ पे देखो ये दो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, इस ऑर्बिट से जा रहा है एन ऑर्बिट में। ठीक है, इसका फार्मूला बनता है R1/2² - 1/n². आर रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, एन की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन 3 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 में ही तो छलांग लगा नहीं लोगे, और नीचे नहीं कूदना है, ऊपर कूदना है। ठीक है, इसलिए 2 से 3, 4, 5। ठीक है, क्योंकि नीचे कूदने का कोई मतलब नहीं। द लाइन ऑब्जर्व्ड इन द विजिबल रीजन आर कॉल्ड द बॉमर सीरीज। जो इसमें लाइंस मिलती हैं स्पेक्ट्रम के दौरान, ट्रांजिशन के दौरान, या इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके फिर से इमिट करके एनर्जी आता है इसके दौरान, ये बॉमर सीरीज में आता है। बट सेवरल अदर सीरीज ऑफ द लाइन्स में बी ऑब्जर्व्ड इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, बॉमर ने अपना स्पेक्ट्रम बना के दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद में कुछ और साइंटिस्ट आ गए और सब ने अपना 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 क्या किया, दिखाया बना के मॉडल। लाइमन आए और लाइमन ने दिया, बॉमर ने तो दिया ही था, पाश्चन ब्रैकेट ने दिया, फुंड ने दिया, और हम्फ्रीज ने दिया। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है, इन लोगों का जो रीजन होता है स्पेक्ट्रम का रीजन का क्या मतलब होता है। अल्ट्रा इंफ्रारेड लिखा है, अल्ट्रा वायलेट विजिबल। देखो जो लाइमन सीरीज होती है, अगर यहाँ पे फिर से स्टडी करें इसको, यहाँ बनाए इसको ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इसको बना दें, और ये बना दें हम स्टेट्स जहाँ पे एक्साइट होके हमारा इलेक्ट्रॉन को जाना है, 3, 4 जितने भी बना लो यहाँ पे, 1, 2 ठीक है, जो भी है इनको हम लिखेंगे नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में एक्साइट होगा तो कहाँ पे जाएगा, ये देखो लाइमन में, पहले से एन में जाए, पहला है फर्स्ट है, फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ में जा सकता है, फिफ्थ में जा सकता है, एंथ में जा सकता है। ठीक है, फिर लाइमन सीरीज का काम होता है। ठीक है, वैसे इसका फिगर दिया होगा नीचे, चीज़ें देख के बताते हैं। नहीं बना रखा है, ठीक है, बुक में फिगर ही नहीं बना रखा है। ठीक है, अच्छी बुक है ना, देखो इसमें हम लोग यहाँ से देखते हैं, फिगर बना ही है हमारा। इसमें देखो N1 से N2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, लेकिन 1 से, अगर 1 से किसी में भी जा रहा है तो वो लाइमन में आएगा। अगर ये यहाँ 2 से शुरू करो, 2 से 3 में, 2 से 4 में, 2 से 5 में, 2 से 6 में, 2 से 7 में, 2 से 8 में, जितने भी चला जाए वो होगा बॉमर सीरीज। वैसे ही 3 से शुरू करो, 3 से अगर शुरू होगा तो पाश्चन में जाएगा,
फोर से शुरू होगा तो ब्रैकेट में, फाइव से तो फंड में, सिक्स से तो हम्फ्रीज से, ठीक है। तो ये होते हैं एक्साइटमेंट ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो सबका ग्राउंड स्टेट क्या होता है, इसका है एक, लाइमन का, बामर का है दो, और पास्टन का है तीन, ब्रैकेट का है चार, फंड का है पाँच, और हम्फ्रीज का है छः। तो यहाँ पे जो हमारे रीजन होते हैं स्पेक्ट्रम के, एक्चुअल में क्या होता है, इन सारे रीजन्स की एक जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, डेफिनेट वेवलेंथ होती है। तो हमारा जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाएगा तो वापस भी तो आएगा, तो वापस में वो जितनी भी एनर्जी लेके गया था एनर्जी निकालेगा बाहर, क्या करेगा, जितनी भी एनर्जी लेके ऊपर गया था उतनी एनर्जी बाहर निकालेगा। तो जो एनर्जी बाहर निकालेगा उसको अगर हम वेवलेंथ के टर्म में देखें, उसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, तो अगर प्रास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्रीज इन चार सीरीज की अगर बात करें, ठीक है, तो इनका जो हमारा एनर्जी आता है, उस एनर्जी का जो वेवलेंथ आता है वो इंफ्रारेड रीजन में शो करता है, क्योंकि इंफ्रारेड रीजन जो होता है उसका भी एक डेफिनेट वेवलेंथ होता है, ठीक है, और ये वेवलेंथ उसी के अंडर में आता है, ठीक है। बाकी लाइमन का अल्ट्रावायलेट में आता है और बामर का विजिबल और अल्ट्रावायलेट दोनों के बीच में आता है, ठीक है। ये दोनों लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक्सप्रेशन है पास्टन के, ब्रैकेट के, फंड के। यहाँ पे मैंने बताया ये पास्टन में तीन होगा, ब्रैकेट में चार होगा, फंड में पाँच होगा, हम्फ्रीज में छः होगा, ठीक है। इन द अर्ली ईयर ऑफ दिस कंट्री, दिस सॉरी सेंचुरी, अटेम्प्ट वर मेड टू ऑब्टेन ए फिजिकल पिक्चर ऑफ द एटम फ्रॉम दिस एंड अदर एविडेंस। Thomson had shown in 1896 that the application of high electrical potential across a gas gave electrons, suggesting that these were present in the atoms. ठीक है, अब यहाँ पे एक summarize view है, ठीक है, summarized view दिखाया गया है कि क्या क्या हो गया पूरी रिसर्च में, ठीक है, एटम की रिसर्च में क्या क्या हुआ। तो ये इतना पढ़ लो, सारी रिसर्च के बारे में पता चल जाएगा। थॉमसन ने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने भाई जो हाई इलेक्ट्रिकल, क्योंकि थॉमसन ने हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था ना, उन्होंने 1896 में गैस जो थी उसमें हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो है करंट को फ्लो किया, उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, दैट एन ए कंसिस्टेड हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस विद अ सफिशियंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राउंड टू मेक द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। रदरफोर्ड ने कहा था उसके बीच में जो है कुछ जगह ऐसी होती है जो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड होती है, वो न्यूक्लियस होती है, ठीक है। उनकी भी बात सही थी, उनका एक्सपेरिमेंट सही था। 1913 में नील्स बोहर आए, उन्होंने कंबाइंड आइडिया दिया सबका, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस का। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि घूमते हैं प्लैनेट की तरह, ठीक है, ये उनका मानना था नील्स बोहर का, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़, भी उनको मिल गया था इसी में 1922 में, इस वर्क के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। और नील्स बोहर का काफ़ी ज़्यादा एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम सही भी है, जिसको हम लोग आज भी पढ़ते हैं। सेवरल प्रॉब्लम अराइज विद दीज कॉन्सेप्ट। द इलेक्ट्रॉन्स माइट बी एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन ग्रेजुअली, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस द इलेक्ट्रिकल जो थ्योरीज में आए, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स माइट बी एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन ग्रेजुअली, वाई शुड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों घूमता है, ठीक है। सिंस द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हैव अपोजिट चार्ज, दे शुड अट्रैक्ट ईच अदर, दे वन वुड एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन आर टू स्पायरल इनवर्ड्स अंटिल वेंस द कोलाइड विद द न्यूक्लियस। ये सब मतलब ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, जो मतलब गलतियाँ थी, कमियाँ थी, ठीक है, ऑर्बिट के चारों तरफ घूमता क्यों है इलेक्ट्रॉन। और एक ये प्रॉब्लम थी कि अगर वो घूम रहा है कंटिन्यू तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी एक दिन, और वो स्पायरल होके स्पायरली आके न्यूक्लियस में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों का जवाब दिया था बोहर ने, इसीलिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़, बाकी किसी को नहीं मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है। जे जे थॉमसन को मिला था शायद। एक्सप्लेन दीज प्रॉब्लम्स बोहर पोस्टुलेट। एन इलेक्ट्रॉन डिड नॉट रेडिएट एनर्जी इफ इट स्टेड इन एन ऑर्बिट, नील्स बोहर ने क्या कहा अपने पोस्टुलेट में, उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, रेडिएशन के दौरान अपने मतलब डिड नॉट रेडिएट एनर्जी इफ इट स्टेड इन वन ऑर्बिट, वो तब तक अपनी एनर्जी नहीं देता है जब तक अपने ऑर्बिट में रहता है।
इसलिए अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो गोल गोल घूमता रहेगा, वो काहे वो उसकी एनर्जी कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्यों ख़त्म होगी। ठीक है, जब ख़त्म नहीं होगी तो गिरेगा नहीं सेंटर में आके, न्यूक्लियस में आएगा नहीं। ठीक है, तो ये उनका पहला कहना था जो कि रदरफोर्ड, सॉरी हाँ ये रदरफोर्ड ने कहा था, कमी निकाली थी। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी थी ना उसको दूर कर दिया इन्होंने पहले ही कॉन्सेप्ट में। उसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट इनका था, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इट आइदर रेडिएटेड और एब्जॉर्ब एनर्जी। उन्होंने कहा अगर एक एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो या तो एनर्जी वो लेगा या तो देगा। ठीक है, इफ़ इट मूव टुवार्ड्स द न्यूक्लियस वॉज रेडिएटेड, इफ मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी वॉज एब्जॉर्ब। ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। अरे वही कॉन्सेप्ट हुआ ना यहाँ पे, जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये पहली सेल है, दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ आ गई। ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो क्या करेगा भाई, एनर्जी चाहिए ना इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इसने पहले न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। ठीक है, तो इसको दूर जाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, इसलिए एब्जॉर्ब करेगा, और जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा हो गई, अब आएगा वापस तो क्या करेगा, एमिट करेगा या रेडिएट करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। थर्ड है हमारा, फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिमेन इन इट्स ऑर्बिट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस मस्ट बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच टेंड्स टू थ्रो द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दिस ऑर्बिट। फॉर इलेक्ट्रॉन मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी वी एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना वो बैलेंस इसीलिए रहते हैं क्योंकि उसमें लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो जितना अट्रैक्ट होते हैं ना उतना ही बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या करते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं, जितना अंदर की तरफ खींचते हैं उतना ही बाहर की तरफ उनके क्या लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगता है ना टेंजेंट में, तो और ये क्या लगता है अंदर लगता है तुम्हारा न्यूक्लियस अट्रैक्शन, तो दोनों अट्रैक्शन की वजह से क्या रहता है बैलेंस रहता है। ठीक है, उन्होंने इसको भी बता दिया, लोग कह रहे थे कि ये बाहर क्यों घूमता रहता है, ठीक है बाहर क्यों नहीं चला जाता है या अंदर क्यों नहीं चला आता है, तो इसका भी सोल्यूशन हो गया यहाँ पे। If the charge on the electron is E, the number of charge on the nucleus Z and the permittivity of a vacuum E naught. ठीक है, कोलम्बिक इंडक्टिव फोर्स जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, Z e स्क्वायर 4πε0 r स्क्वायर, E स्क्वायर क्या है चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, Z क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है नंबर ऑफ चार्ज स्पीसीज कितनी है, r जो है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज है, एंड एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी इसको कहते हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक्चुअली हुआ क्या, हुआ ये कि जो हमारा न्यूक्लियस है, हमारा न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक न्यूक्लियस है हमारा क्या पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या लगेगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना फोर्स अंदर की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, और ये बैलेंस करके रखेगा इस इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में, इसलिए इन दोनों फोर्सेस को बराबर दिखाया गया है। उसके बाद इसके वी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी, यहाँ से वी स्क्वायर निकाल लिया गया है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस बट इन डिस्क्रीट, फिर बाद में प्लैंक्स आया। ठीक है, मैक्स प्लैंक्स, उन्होंने कहा कि जो हमने क्वांटम थ्योरी थी, ठीक है और उस क्वांटम थ्योरी से इन्होंने कहा कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस बट इज डिस्क्रीट, एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, वो डिस्क्रीट अलग अलग लेवल्स में होती है, अलग अलग फॉर्म में होती है, या कह सकते हो अलग अलग पैकेट्स में होती है, इनको कहते हैं क्वांटा। ठीक है, मतलब कॉन्टीन्यूसली नहीं होती कि कॉन्टिन्यू वो एनर्जी ऐसे ऐसे जाती रहे, एनर्जी जो होती कुछ पैकेट के फॉर्म में होती है, एक पैकेट दो पैकेट ऐसे होती है, और एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती है, एक पैकेट या एक क्वांटा की एनर्जी होती है 1 hν के बराबर होती है। ठीक है, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था।
तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट आगे काफी बढ़ा है, ठीक है। तो अभी तक हम यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं, अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे इनकी क्वांटम केमिस्ट्री का, प्लैंक्स की क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इनके जितने भी एक्सप्रेशन है, जितने भी डेटाज हैं, उनको सबको स्टडी करेंगे, उसके बाद बिहेवियर थ्योरी को देखेंगे और कंटिन्यू रखेंगे आगे। अभी तक जितना भी मैंने बताया है वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो।